खबर जैसलमेर से है, जहां राजकीय जवाहर चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई, जिसके बाद जिले भर में महिला की मौत का विरोध अब तेज हो गया है। जानकारी के मुताबिक बिदामी देवी जैन नॉर्मल बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन गलत इलाज के चलते मौत यहां पर उनकी हुई। वहीं इस मामले में सकल जैन समाज ने अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जवाहर चिकित्सालय ले गए थे माता जी के, यहाँ पे दर्द हो रहा था छाती में, तो वहाँ डॉक्टर ने उनको ले गए ट्रीटमेंट के लिए, टेबलेट लिख के दी, इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो हमने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है। उस टाइम वहाँ पे डॉक्टर कुमावत और थोड़ी देर में देवताराम डॉक्टर भी आ गए थे, और उन्होंने माता जी को मुख्य भाग में भर्ती करने के लिए कहा। 8:30 के आसपास हम माता जी को वहाँ भर्ती करने ले गए, और हमारे दिमाग में था कि गैस की प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर ने हमें यही बताया था, और गैस का ही ट्रीटमेंट उन्होंने किया। 8:30 से मतलब ये मानो 9:45 तक कोई डॉक्टर वहाँ नहीं आया, और उसके बाद जब कॉल करने पर 10:00 तक डॉक्टर वहाँ आए, और उसके बाद 10:00 से 2:00 तक वो मतलब नींद ले रहे थे, और 2:30 के आसपास उनको अटैक आया, तब कोई डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं था।